चल बेहद तेज। एक बार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पे मीडिया कर्मियों की भी हुजूम उमड़ी हुई है एक अन्य मार्ग के बाहर। हमारे साथ ब्रज सर भी मौजूद है। ब्रज सर, जो राजनीतिक घटनाक्रम है, बीजेपी की बैठक अलग चल रही है, जेडीयू की बैठक अलग चल रही थी जो अभी खत्म हुई है, और आरजेडी की बैठक चल रही है, क्या लग रहा है कि जो तस्वीर जो संशय कुछ है क्या, अभी कुछ दिख रहा है आपको संशय? देखिए, बीजेपी और जेडीयू के बीच में संशय फिलहाल नहीं है। संशय जो मुझे थोड़ा बहुत दिख रहा है आरजेडी के कोने में दिख रहा है, क्योंकि उनको डिसाइड करना है कि उनको नीतीश कुमार के साथ रहना है या नहीं रहना है, या कब तक वो फैसला करेंगे। सारा जो दारोमदार है वो आरजेडी पे, क्या वो सरकार से अपना समर्थन विड्रॉ करेंगे? शायद अभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो भी स्टेप लेना हो नीतीश कुमार खुद ले, वो फैसला नहीं लेना चाहते हैं, और उसी को आधार बनाकर वो आगे जनता के बीच जाएंगे और कहेंगे कि नहीं देखिए हम तो सरकार को समर्थन दे रहे हैं। उनके एक मंत्री हैं, उन्होंने अपना जो सरकारी वाहन है वो लौटा दिया, तो इसका मतलब क्या समझे? दूसरा सचिवालय में भी हैपनिंग है, कई अधिकारी पहुंच गए हैं। एक संकेत तो हो ही जाता, जब आप गाड़ी आप सरकारी गाड़ी को वापस कर देते हैं, एक संकेत होता है कि वो खुश नहीं है। हालांकि जब तक लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी की तरफ से ये घोषणा नहीं होती कि हम सरकार से समर्थन वापस ले रहे हैं, तब तक इसको एक पोस्चरिंग माना जाता है पॉलिटिक्स में, कि आप एक दिखा रहे हैं कि हम खुश नहीं है, नाराज हैं आपसे। तो ये चीज बिल्कुल साफ हो गई, दूरी तो बढ़ ही गई है, इसमें कोई ये नहीं है, संदेह नहीं है। और बीजेपी और जेडीयू दोनों अपनी अपनी पोजिशनिंग कर रहे हैं, क्योंकि कई तरह की चर्चा चल रही है। खबर ये भी है कि कांग्रेस के विधायक टूट सकते हैं, कभी कभी जेडीयू के विधायकों को लेकर भी चर्चा हो रही है। ये सब जो खबरें, ये छोटी छोटी खबरें हैं। खबरें अभी ये हैं कि बीजेपी में कौन कौन लोग इसमें डेप्यूटी सीएम बनना चाहते हैं, चर्चा इस बात की हो रही है। अच्छा, वहां तक बात पहुंच गई। हाँ, यहाँ तक कल रात में बहुत सारे जो लोग थे बीजेपी के सीनियर्स थे यहाँ पटना में, वो लगातार यही डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा मंत्रालय लेने वाले हैं, या कौन सा मंत्रालय मिलेगा, या एक सवा साल की सरकार रहेगी लोकसभा के बाद मुश्किल से, तो उसमें सरकार का हिस्सा बनना है या नहीं बनना है। तो ये सब चीजों को लेकर बीजेपी में चर्चा ज्यादा हो रही है। फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी है, क्योंकि यहां से कुछ नहीं होना है, जो कुछ तय होना था आनंद वो दिल्ली में तय हो चुका है। वही बिल्कुल आपने सही कहा, जो कि अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ मुलाकात। चिराग पासवान ने पहली बार जो तेजस्वी नीतीश कुमार को लेकर सवाल पूछे गए, तो बड़ा उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया है, बोला कि कुछ इंतजार कर दीजिए, अभी कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगा। इसका मतलब कि चिराग पासवान को मना लिया गया है? देखिए, कोशिश यही हो रही कि जो चाचा भतीजा है दोनों के बीच में एक तरह से पैचअप हो जाए। पैचअप अब तक हो नहीं पाया है सीटों को लेकर, खास करके भाई 6 सीट उनके कोटा का है एलजेपी का, मतलब चाचा भतीजा दोनों को मिलाइए तो, जो पुरानी स्थिति थी, तो उससे ज्यादा तो इनको मिलने वाला है नहीं। अगर जेडीयू के साथ में जाता तो हो सकता है कि जो सीटें हैं वो कम भी हो जाएं। अच्छा, एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, अभी तो 1.5 घंटा पहले हमने कोशिश की है जानने की कि बैठक में क्या हुआ, उसकी जानकारी तो अब नहीं है, लेकिन लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि अगर नीतीश कुमार गठबंधन से अलग होते हैं, क्या तर्क देंगे जनता के बीच में? क्योंकि अगर आप देखिए, तेजस्वी यादव की तरफ से अभी कोई गलती दिखती नहीं, अभी तक तो कोई नहीं दिखी है जब से उन्होंने इस सरकार में साथ देना शुरू किया है, तो तर्क क्या दे सकते हैं नीतीश कुमार, आखिर कौन सा वो आधार दिखता है? देखिए, ये अभी तक मुझे लगता है कि 9वां ये शपथ अगर होगा तो 9वां होगा। हर बार उन्होंने कुछ न कुछ बहाना बनाया। 2013 में जब इन्होंने सरकार छोड़ी थी, बीजेपी का साथ छोड़ा था, तभी यही बोला था कि भाई जो सेकुलर क्रेडेंशियल है वो नहीं रहा। उसके बाद जब आरजेडी का साथ छोड़ा तो बोला कि करप्शन के मुद्दे पे हम साथ छोड़ रहे हैं। तो इनके पास, नीतीश कुमार के पास में पाला बदलने के लिए कोई आधार है, कोई कुछ न कुछ वो बचा के रखते लेकिन हैं। एक बहुत दिलचस्प है, क्योंकि जेडीयू के जितने भी बड़े नेताओं से हमारी बातचीत हो रही है, सबके निशाने पे कांग्रेस है। इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका नहीं तय हुई। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है, और ये मार्के की बात है कि जिस तरह से नीतीश कुमार को माना जाता है कि भाई वो जो ये पूरा आइडिया था महागठबंधन का उनका था, और लगातार वो शुरू से ही जब मई और जून में बातचीत हो रही थी यहाँ पटना में, तभी से वो लगातार बिल्कुल आगे थे, फ्रंट पे थे। तो नीतीश कुमार और उनके पार्टी के लोग तो यही कह रहे हैं कि भाई उनको जो इज्जत और जो सम्मान मिलना चाहिए था गठबंधन में वो नहीं मिला, तो वो करते क्या? तो क्या एक बहुत इंटरेस्टिंग है जो ठीक हमारे पीछे एक अन्य मार्ग नजर आ रहा है। ब्रसर, 23 जून 2023 को यहीं पे पहली बैठक इंडिया गठबंधन की, जो नीतीश कुमार ही उसके कर्ता धर्ता थे, और आज उन्हीं के ऊपर सवाल खड़ा हो गया और वही गठबंधन छोड़े, तो यानी कि हम माने कि इंडिया गठबंधन के जो मेन सूत्रधार थे अब वो इंडिया गठबंधन नहीं रहा? बिल्कुल नहीं रहा। और जो स्थिति हम देखें, अगर बड़ी पिक्चर देखें, जो बिग पिक्चर हम कहते हैं राजनीति में, उसमें तस्वीर यही बनती दिख रही है कि बंगाल में ममता बनर्जी ने रास्ता साफ कर दिया कि हम आपके साथ में वर्तमान स्वरूप में नहीं होंगे। केजरीवाल ने दिल्ली में कर दिया कि पंजाब और बिहार में, पंजाब दिल्ली में, और नीतीश कुमार चूंकि धुरी है, बाकी ममता बनर्जी धुरी नहीं थे उसके, लेकिन
जो नीतीश कुमार है ये धूरी थे, इन्होंने ही तय किया था कि भाई कैसे मीटिंग करें नहीं करें। लेकिन आप नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति है, राजनीतिक हैसियत है बिहार में नहीं पूरे देश भर में, जिनका ये अभी जो आप मान सकते हैं कि राजनीतिक तौर पे बहुत ज्यादा इनका इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। इससे इंडिया गठबंधन का एक महत्व कुछ और था, और नीतीश के नहीं रहने से जो गठबंधन है वो थोड़ा सा हल्का जरूर पड़ जाएगा। लेकिन एक तो सवाल है ना कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार की, अगर हम बिहार के अगर दृश्य से देखें तो ये कहीं राष्ट्रीय खबर है। अगर हम देखें इस तरह से तो ये राष्ट्रीय खबर है, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में कल अखिलेश यादव ने भी कहा था, उम्मीद जताई थी कि नीतीश मान जाएंगे। यानी कि हम सिर्फ एक बिहार में सत्ता बदलने का खेल नहीं मान सकते हैं, राष्ट्रीय परिदृश्य पे देखें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। नीतीश को नाराज करने के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया, एक दो बहाने नीतीश के पास नहीं आनंद, ये सही वक्त नहीं है कि हम उन तमाम बहानों को गिनाएं। नीतीश जी खुद गिनाएंगे अभी, मतलब जब वो कल रास्ता अलग करेंगे तो बहाने एक नहीं है, बहाने इनके पास 10 हैं कि शुरू से नीतीश कुमार ने प्रयास किया और किस तरह से आपने उनको एक तरह से साइडलाइन किया, बल्कि कोशिश नहीं की, साइडलाइन किया उनको अलग अलग मीटिंग में। जो महत्व वो चाहते थे वो महत्व उनको नहीं दिया गया, तो वो उनके पास और कोई विकल्प बचा भी नहीं था दरअसल। आनंद बिल्कुल जी, सुबह वाकई आनंद वो तस्वीरें हम आपके पीछे की देख पा रहे हैं 1 मार्च की। और आनंद ये बताइए, अभी आपके साथ ब्रज सर भी हैं, तो और भी हम आपसे जानकारी ये लेना चाहेंगे कि अगर हम की इसमें महत्वता को देखें, हालांकि हम अभी अभी सम्राट चौधरी ने मुलाकात की है, तो हम की इसमें महत्वता कैसे हो जाती है? आज शाम 7 बजे उनकी भी बैठक होनी है, तो अगर आरजेडी भी उनको प्रलोभन दे रही है कि आप हमारे साथ आ जाएं, तो इस पर हम एक खास चर्चा करेंगे कि आखिर हम की इसमें महत्वता कैसे बढ़ जाती है। बिल्कुल, और देखिए अभी निगाहें भी उसी पे टिकी हुई है, हम पार्टी पे, कि भाई हम पार्टी का रूप क्या होगा। खबर ये भी मिल रही है कि वो आरजेडी के संपर्क में, सर बड़ा इंटरेस्टिंग है, कई कई बार छोटी पार्टियां सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करने लगती है। जीतनराम मांझी अभी केंद्रीय बिंदु में, कभी नित्यानंद राय उनसे मुलाकात करने जाते हैं, सम्राट चौधरी के, इसका मतलब हम पार्टी अभी कितना मुख्य भूमिका में है और इसका रोल अभी क्या हो सकता है किसी की सरकार बनाने बिगाड़ने। देखिए कल जीतनराम मांझी के साथ में बैठा हुआ था, उनसे बातचीत भी हमने किया, तो उन्होंने कहा साफ तौर पर ये सब जो खबरें आ रही है ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए खबरें हैं, हम पूरी तरह से नरेंद्र भाई के साथ हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया, नरेंद्र भाई के लिए हम साथ खड़े हैं, और जो बिहार की 40 की 40 सीटें वो हम जीतेंगे, और कम से कम लोकसभा में हम 400 सीटें जीतने जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको याद होगा कि एक बार उनसे मांझी जी से पूछा गया था कि क्या आप नीतीश कुमार को छोड़ के अलग होंगे, तो उन्होंने मां का कसम खाकर कहा था कि मैं मां का कसम खाता हूं नहीं हटूंगा, लेकिन जीतन मांझी ने क्या कि आप बेहतर देख सकते हैं, तो क्या मांझी पे भरोसा किया जा सकता है इस वक्त इस सिचुएशन में? देखिए ये मांझी को बिल्कुल तय करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपना फ्यूचर देख रहे हैं, अपने बेटे का वो फ्यूचर देख रहे हैं और गठबंधन का वो फ्यूचर वो देख रहे हैं। कोई भी आदमी, कोई भी नेता अगर है तो वो तो ये देखेगा कि हमारा फ्यूचर कितना सिक्योर है। तो आगे जो जीतन राम फैसला करेंगे केंद्र में क्या होने वाला, अगर केंद्र के साथ रहते हैं उनको अपने बेटे का फ्यूचर भी सिक्योर करना है और साथ में अपना फ्यूचर तो रोल तो रे, रो, अभी चार जो चार विधायक है हमका, वो कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले कर देंगे अभी, अगर मान लीजिए कोई बड़ा फैसला ले लेती है हम पार्टी, फिर मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा फैसला वो लेने वाले हैं, क्योंकि वो अपना फ्यूचर, अपने बेटे का फ्यूचर और अपना फ्यूचर वो देख रहे हैं कि 5 साल किस तरह से सिक्योर करें, तो मुझे इस पर डाउट नहीं लग रहा है। ये चर्चा ज्यादा वो चल रही है कि कहीं कहीं से दूसरे हलकों से खबर आती है कि भाई इनके संपर्क में, मुझे नहीं लगता है कि वो संपर्क किसी के संपर्क में है, वो पूरी तरह से एनडीए के साथ खड़े हैं। एक निर्दलीय विधायक है सुमित, वो भी सरकार में मंत्री हैं और सरकार पे समर्थन कर रहे हैं, तो 4+1 अगर 5 विधायकों को मिला दें तो ये 5 विधायक इस वक्त बिहार के सियासत में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। निश्चित तौर पर, और सुबह भी लिखा था हमने कि भाई आरजेडी की तरफ से ये तमाम कोशिशें होंगी कि किसी तरह से इनको मेजोरिटी प्रूव नहीं करने दिया जाए। ये चीज, इस चीज की चर्चा हुई आरजेडी के जो बैठकें हो रही हैं, हमें जो खबरें सूत्रों के माध्यम से मिल रही हैं कि वो पूरी ताकत लगाएंगे किसी तरह से इनको, नीतीश को फिर से चीफ मिनिस्टर नहीं बनने दिया जाए, इसकी कोशिश होगी। लेकिन अभी अगर आप संख्या देखें, 78 विधायक बीजेपी के पास, 45 विधायक जेडीयू के पास, अगर संख्या मिला देते हैं तो जो संख्या होना चाहिए मैजिक फिगर, तो ये दोनों पार्टी के पास ही है, तब फिर मांझी का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? मांझी का रोल इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मैंने वही कहा कि मांझी अपने लिए भी वो देख रहे हैं, अपने बेटे को महत्वपूर्ण भूमिका में वो देख रहे हैं। पहले आपने सुना था एक बार मांझी जी बोले थे उन्होंने कि मेरा बेटा तेजस्वी से ज्यादा योग्य है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, और महत्वाकांक्षा तो दिखती है, महत्वाकांक्षा है उसमें, महत्वाकांक्षा है, तो महत्वाकांक्षा भी दबी हुई है। लेकिन आप यही समझिए, जब वो कहते हैं कि वो तेजस्वी से ज्यादा योग्य है तो मतलब उनकी नजर कहीं और भी है, और यही जिस समुदाय से आते हैं उसकी भूमिका बिहार की राजनीति में नहीं
देश की राजनीति में काफी ज्यादा होने वाली है आने वाला दशक। मुझे लगता है कि ओबीसी से आगे अब जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न अवार्ड दिया गया तो उसके बाद से यही स्पष्ट हो रहा है कि राजनीति की दिशा बदलेगी देश में। बिहार में तो बदलेगी तय है, लेकिन देश में भी जो दलित और महादलित और जो ईबीसी आप कहते हैं उनकी भूमिका बढ़ेगी, तो उसमें जो ऐसे जो लोग प्लेयर हैं जो अभी फ्रिंज पे खड़े हैं, हाशिए पे खड़े हैं, वो मुख्य धारा में भी शामिल होंगे। कांग्रेस जो बिहार में कांग्रेस के 19 विधायक हैं, भूपेश बघेल को यहाँ भेजा जा रहा है, वो भी काफी बड़े नेता हैं, विनोद तावड़े को भी यहाँ पे भेजा जाता है, तो कांग्रेस को लेकर जो हलचल है इसमें क्या आपको लगता है कि कुछ घटना घट सकती है कांग्रेस में? कांग्रेस के लोगों से बात हुई सुबह जब उनकी बैठक हो रही थी, तो मेरी बात हुई लगभग 11-12 के आसपास में, तो वो लोग, हालांकि चर्चा ये हो रही कि वो लोग संपर्क में, जेडीयू के संपर्क में, लेकिन मुझे इसकी संभावना थोड़ी कम लग रही है क्योंकि कांग्रेस के लोग उनके साथ हैं। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जरूर होगी विनोद तावड़े की, क्योंकि विनोद तावड़े की जो भूमिका रही थी महाराष्ट्र में जिसकी चर्चा हमने कल भी की थी, उन्हीं के पास बिहार का भी चार्ज है, तो विनोद तावड़े को भी विनोद तावड़े को हम किसी तरह से अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते। भूपेश बघेल भी काफी महत्वपूर्ण प्लेयर है।